तो आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व कहा जाता है और आज के दिन स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति भी होती है। कार्तिक पूर्णिमा का स्नान भगवान विष्णु के नियमित किया जाता है। आज चंद्र ग्रहण होने के कारण सुबह 8 बजे सूतक लगने के कारण कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने श्रद्धालु देर रात से ही हर की पौड़ी पर पहुंचने लगे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य की कामना भी कर रहे हैं। इधर भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। तो आप तस्वीरों में देखिए हरिद्वार में आज के दिन कैसी भीड़ है। आज का दिन आस्था की डुबकी लगाने का दिन भी माना जाता है और धर्मनगरी हरिद्वार में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सनु शर्मा इस वक्त हरिद्वार से सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सनुज, सूतक काल की शुरुआत हो गई है और तस्वीरें आप भी दिखाइए जरा, कैसा असर देखने को मिल रहा है चंद्र ग्रहण का हरिद्वार में और लोगों का क्या कहना है इस चंद्र ग्रहण को लेकर। हाँ देखिए, चूंकि सूतक काल शुरू हो गया है चंद्र ग्रहण का, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए हर की पौड़ी पर ये देखिए श्री श्रृंगेश्वर शंकराचार्य मठ मंदिर है और यहाँ मंदिर के जो कपाट हैं वो सूतक काल के चलते यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। जो भगवान हनुमान जी की मूर्ति है उसको यहाँ कपड़े से ढक दिया गया है और यहाँ अब जो पूजा अर्चना है वो फिलहाल निषेध कर दी गई है। उसके बाद जब चंद्रकाल की समाप्ति होगी और चंद्रकाल की समाप्ति के बाद फिर से यहाँ मंदिर के जो कपाट हैं वो यहाँ पर खुल जाएंगे। अब दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए, चूंकि कार्तिक पूर्णिमा भी आज है और इसको लेकर किस तरीके से यहाँ जो आस्था का सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए आए हैं, गंगा में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आए हैं। देखिए, पुराणों में कहा गया है कि आज का दिन जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन है वो सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है। वो इसलिए चूंकि भगवान शंकर ने आज के दिन जो त्रिपुराक्षर राक्षस था उसका वध किया था, इसलिए उनको त्रिपुरारी भी कहा जाता है। और कई और मान्यताएं इससे जुड़ी हुई हैं, महाभारत की एक मान्यता भी जुड़ी हुई है कि चूंकि जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध हुआ और जब कौरव जब मारे गए और उसके बाद जो पांडव थे तो उस बात को लेकर कहीं ना कहीं परेशान थे कि आखिर क्या किया जाए जो उनकी मुक्ति हो जाए। तो ऐसे में भगवान कृष्ण से जब उन्होंने पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि जो कार्तिक पूर्णिमा आ रही है, कार्तिक पूर्णिमा पर आप अपने पितरों के लिए या अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रार्थना करें और उसको लेकर जो मेरठ में गढ़ मुक्तेश्वर है वहाँ पर जो गढ़ मेला है वो लगता है। तो इसको लेकर जो तमाम मान्यताएँ हैं, दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आए हैं। एक बड़ा जो पर्व के रूप में ये कार्तिक पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। जो श्रद्धालु हैं देखिए, उन श्रद्धालुओं से भी हम बात करते हैं और श्रद्धालु कितनी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग यहाँ गुजरात से हैं, कुछ लोग यहाँ बिहार से हैं, कुछ लोग यहाँ राजस्थान से। एक एक कर से इन श्रद्धालुओं से मैं बात करूंगा और जानूंगा कि कार्तिक पूर्णिमा का कितना महत्व है कि आप देखिए हजारों किलोमीटर दूर का सफर तय करके ये लोग यहाँ पर आए हैं। भाऊ जी नमस्कार, कहाँ से आए हैं आप? मैं बिहार से आया हूँ। अच्छा, बिहार से आए हैं। तो आज कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है? कार्तिक पूर्णिमा का महत्व है, गंगा का स्नान तो समझिए बस बहुत बड़ी कृपा है महामाई की, जो ऐसा अवसर मिलता है। अच्छा, पोते और परिवार के? पोता परिवार पूर फैमिली है। सर आप कहाँ से आए? मैं गुजरात वडोदरा से आया हूँ और मैं मेरे परिवार के साथ आए हूँ। इस छुट्टी के लिए हम सब डॉक्टर हैं तो हमको यहाँ कार्तिक स्नान के पूर्णिमा स्नान के लिए आना पड़ा है। और दूसरी बात, हमारी माताजी और पिताजी का स्वर्गवास 2020 में हुआ था तो हम ऐसा ही मान्यता है कि अगर आज हम उसका पिंडदान करें, उनको प्रार्थना करें तो पूरा पुण्य उनको मिलता है। तो उनके लिए भी हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप लोगों का भी साक्षात्कार हो गया इसलिए। अच्छा, परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ आया हूँ, मेरी पत्नी है स्नेहा। अच्छा, मैं स्नान नहीं अभी कर लेंगे। पूरे परिवार के साथ आए हैं। देखिए, बिहार से बाबूजी आए हैं, गुजरात से सर आए हैं और देखिए ये लोग राजस्थान से आए हैं। किस जगह से हैं? मैं राजस्थान भिवाड़ी से आई हूँ। अच्छा, भिवाड़ी से आए हैं। परिवार के साथ चंद्र स्नान कर लिया? हाँ, स्नान कर लिया, सुबह चंद्रमा उगने से पहले स्नान कर लिया। अब दोबारा स्नान करूँगी जब ग्रहण छूटने के बाद। कार्तिका के पूर्णिमा पे सब आई हूँ स्नान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गंगे मैया ने, यहाँ पे सूतक में सब मंदिर बंद हो गई, पूजा नहीं कर पाई हूँ। अब शाम को जब पट खुलेंगे जब पूजा करूंगी। अच्छा, सूतक काल लगने से पहले आपने स्नान कर लिया था और जब चंद्र ग्रहण का समाप्ति काल होगा उसके बाद फिर स्नान करूंगी, फिर जल, फिर पूजा करके फिर घर को जाऊंगी। अच्छा, तब? हाँ। अच्छा सर, आप भी साथ? बिल्कुल साथ में। हम लोग सुबह सूतक लगने से पहले हमने स्नान कर लिया था और ये इस तरह का मतलब ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है इसमें जी। देखिए, जो
तमाम श्रद्धालु हैं, कुछ और भी श्रद्धालु हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। वो भी यहाँ पर पुण्य की जो डुबकी है वो लगाने के लिए आए हैं। इधर आ जाए, कहाँ से आए हैं? मैम दिल्ली से आए हैं, और हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज हमारी एनिवर्सरी हुई है, आज हमारी थर्ड एनिवर्सरी है और दिन बहुत अच्छा था, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो आज हरिद्वार चलते हैं। अच्छा अच्छा, एनिवर्सरी। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा सर, स्नान हो गया? यस, हमने सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग कर लिया था स्नान, बट लास्ट टाइम से आज देखा जाए काफ़ी ज़्यादा रश है। हाँ, लास्ट टाइम पैंडेमिक टाइम से आज बहुत ज़्यादा रश है, बट इसके लिए भी कुछ इंतजाम करने चाहिए थे गवर्नमेंट को। अच्छा, इंतजाम करिए। माता आपसे पूरे परिवार के साथ आए हैं? हाँ जी, सिस्टर के साथ आए हैं, हस्बैंड के साथ। आज का तो दिन का महत्व बहुत बड़ा। बहुत बड़ा, बिल्कुल। इसको हम मानते हैं, अपने बड़ों से सुनते आए थे, इसीलिए स्नान करने आए थे हम भी। और इसलिए स्नान करने भी लोग आए, थोड़ा सा निराश भी जरूर नजर आए प्रशासन की व्यवस्था को लेकर, और अब इंतजार है शाम का जब भगवान के दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।